everyone, welcome back to the channel. तो welcome to our house, जिसको हम होम नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि अभी ये खाली है और हमने रहना शुरू नहीं किया है. तो चलिए आपको दिखाते हैं एक यादगार के लिए भी. डे टूर कभी बाद में बनाऊंगी, अभी आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमने आज आके थोड़ा धूप बत्ती कर. ये है लिविंग रूम और इधर डाइनिंग रूम है. लिविंग रूम को ड्राइंग रूम भी कहते हैं इंडिया में. इधर किचन है, ओपन कॉन्सेप्ट किचन. अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, कुकिंग स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं यहाँ पे. ये सब घर के साथ आया. ये पैंट्री है स्टोर करने के लिए, घर का राशन रखने के लिए और बाकी इधर उधर का सामान. ये थोड़ा बहुत सामान हमने ऑलरेडी लाके रख लिया है, अभी शुरुआत कर ली है, लेकिन अभी हमने रहना शुरू नहीं किया है यहाँ पे. तो घर अभी कुछ कुछ सामान है, घर खाली है एक्चुअली. तो गैराज का टूर किसी दिन में कराऊंगी, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं. वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हाउस टूर के बाद का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें कैनेडा की झलकियां दिखेंगी और कैसे हम घर से, मतलब पुराने घर से नए घर में कैसे ड्राइव करके गए, और रास्ते में घर कैसे होते हैं, वो सब देखने को मिलेगा. चलिए ऊपर चलते हैं. ऊपर के बेडरूम्स हैं, नीचे कोई भी बेडरूम नहीं है. नीचे किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, छोटा वॉशरूम है जिसको पाउडर रूम बोलते हैं. तो ये बाबा जी की फोटो मैंने सेलर से रिक्वेस्ट किया था कि ये प्लीज यहाँ छोड़ जाना, इसलिए उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान के फोटो हमें दे दी है. पेंटिंग है एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये गुरु नानक साहब की. तो चलिए, ये बेडरूम्स हैं. तीन बेडरूम है और जो प्राइमरी बेडरूम बोलते हैं मास्टर बेडरूम को यहाँ पे, उसमें वॉक इन क्लोजेट है, वो भी आगे चल के दिखाती हूँ. ये ऊपर वाला गेस्ट वॉशरूम समझ लो या फैमिली वॉशरूम समझ लो, ये मास्टर वॉशरूम नहीं है. ये है मास्टर बेडरूम, चलिए अंदर चलते हैं. ये है लिनन क्लोजेट, यहाँ टॉवल्स बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मंदिर बनाने की सोच रही हूँ. ये वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम. विंडो है जो मेन सड़क सामने की नजर आती है. ये वॉक इन क्लोजेट है, इसके अंदर काफी जगह है, काफी स्पेशियस है, मतलब अलमारी के नाम पे पूरा कमरा बना रखा है. वंस अगेन द मास्टर वॉशरूम, काफी स्पेशियस है. इवन मास्टर बेडरूम काफी बड़ा है, कैमरा में शायद इतना सही नहीं नजर आ रहा है. वंस अगेन गेस्ट वॉशरूम और फैमिली वॉशरूम. सो टोटल तीन वॉशरूम है, टू फुल एंड वन पार्शियल हाफ, जो कि नीचे है. तो एक बार और ये दूसरे बेडरूम्स ऊपर के. तो चलिए नीचे चलते हैं. आज से बेटर कोई और दिन नहीं हो सकता, जन्माष्टमी है तो इससे अच्छा दिन क्या होगा घर में कुछ धूप बत्ती करने के लिए. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने यहाँ पे रहना अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इस वीकेंड में हम स्टार्ट कर दें. ब्रांड न्यू घर इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि ब्रांड न्यू घर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है. ये मिल गया, ये भी बहुत बहुत शुक्र है भगवान का. इस लेक प्रॉपर्टी, घर के पीछे लेक है, मैन मेड लेक, नेचुरल लेक नहीं है.
ये मकान आज से घर बन गया क्योंकि कान्हा जी ने यहाँ पे निवास कर लिया अब, और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, प्लीज देखते रहिएगा। और ये है घर के पीछे लेक, कभी दिन में दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। पीछे बैकयार्ड है हमारा, बहुत बड़ा लॉन है पीछे, और उसके पीछे ये लेक है। बहुत अच्छा व्यू रहता है, बर्ड्स आते हैं गर्मियों में। वेल, दिस इज नॉट अ न्यू कार, गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है तो उन्होंने ये गाड़ी दी है हमें, फोर्ड ब्रोंको। ये हमारा पुराना घर है, यहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, कुछ दिन और रहेंगे। और अभी इसको बेचने का है या क्या करना है डिसाइड नहीं किया, हो सकता है बेचेंगे ही, क्योंकि दो दो घर रख के क्या करना है, और रेंट पे देने का अभी कोई इरादा नहीं है। जंप में लाना शुरू हो गया। चलो एरिया बहुत ही अच्छा है, आसपास के घर काफी अच्छे बने हुए हैं। ये गैराज है एक्चुअली, दो गाड़ियों की पार्किंग अंदर है और चार गाड़ियों की पार्किंग बाहर है।